हेलो गाइस यू एस एक्स पाथ ब्रेकिंग पैक्ट विद जापान टू चेकमेट चाइना आई एस पी एल नेवी स्वेल्स टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जैसे जैसे चाइना की नेवी जो है दुनिया की लार्जेस्ट नेवी बनती जा रही है अमेरिका जो है पाथ ब्रेकिंग मतलब एक तरह का रास्ता निकालना चाहता है जापान के साथ जिससे वो चाइना को जवाब दे सके यू एस नेवी इज कंसाइडरिंग रोपिंग इन प्राइवेट जापानीज से टू अंडरटेक रिपेयर्स मेंटेनेंस एंड ओवरऑल ऑफ इट्स वॉरशिप बेस्ट देयर टू टेक द लोड ऑफ ओवर बॉड एंड सिप यार्ड्स बैक होम यू एस नेवी जो है वो कंसाइडर की है उनकी चॉइस जो है अब वो प्राइवेट जापानीज सिप बिल्डर्स मतलब जो प्राइवेट कंपनी है जापान में उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है जिसमें वो अंडरटेक करना चाहते हैं रिपेयर्स को अपने जो सिप्स हैं उनको रिपेयर करवाना चाहती है मैंटेनेंस का जिम्मा उनको देना चाहती है साथ में पूरा शिप का वॉरशिप का मेंटेनेंस चाहती है साथ में और जो कि बेस्ट होगा लोड ऑफ के ऊपर ओवर बॉर्डेंट सिप यार्ड जो कि बैक होम यानी अमेरिका जाएंगी द प्लान कोड ऑल्सो इन कम्पास सिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज इन द फिलिपींस साउथ कोरिया एंड सिंगापुर इफ रियलाइज्ड इट कुड मार्क न्यू फेज ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलाब्रेशन विद इट्स एलिज एंड रिजल्टेंट इकोनॉमिक इफेक्ट प्लान जो है ये सिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का ये फिलिपींस में भी हो सकता है इसको लगाया जाए साउथ कोरिया में साथ में सिंगापुर में यदि जरूरत पड़ी यदि रियलाइज किया गया तो ये मार्क करेगा नया फेज नए चरण का डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जिसमें उसके सारे दोस्त होंगे और रिजल्ट करेगा इकोनॉमिक इफेक्ट में द डेवलपमेंट कर्म सामिड राइजिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल टेंशन विद चाइना एंड द दर्जनोइंग पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी फ्लीट इन दिस वेस्टर्न पैसिफिक जो डेवलपमेंट है या जो टेंशन है ये आया है तब जबकि मिलिट्री और पॉलिटिकल टेंशन जो है चाइना के साथ बढ़ती जा रही है और उसका दबदबा यानी पी एल ए एन पीपल लिब्रेशन आर्मी नेवी का जो दबदबा है वेस्टर्न पैसिफिक में बढ़ते जा रहा है आ रिपोर्ट इन द निकी एशिया सेट दैट द न्यू प्लान इन वाइसिजेस द रिपेयरिंग इवन फ्रंट लाइन फॉरवर्ड डिप्लॉयड वॉरशिप लाइक डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स एंड एम वेसल्स इन जापान इंडिया एंड फिलिपींस ऑलरेडी रिपेयर लॉजिस्टिक्स एंड ऑक्सीलरी वेसल्स लाइक फ्लीट रिप्लानिसमेंट टैंकर्स रिपोर्ट जो है निकी एशिया में कहा गया है कि नया प्लान जो है इसमें रिपेयरिंग वर्क को लेकर ध्यान दिया गया है जैसे फ्रंट लाइन फॉरवर्ड डिप्लॉयड वॉरशिप्स होंगे जो आगे की तरफ चलने वाले वॉरशिप्स हैं उनको ध्यान रखा गया है जिसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं फ्रिगेट्स हैं और एम वेसल्स हैं जो कि जापान इंडिया और फिलीपींस जो हैं रिपेयर करती हैं लॉज इम्पॉर्टेंट जो कि लॉजिस्टिकली एरिया के हिसाब से बहुत जरूरी है और ऑक्सिलरी वेसल्स वी में जिसमें फ्लीट रिप्लेसमेंट टैंकरस भी है न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स सच एज एयरक्राफ्ट कैरियर एंड द सबमरीन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंसल्ट्रेशन द रिपोर्ट सेट रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूक्लियर पावर शिप्स जो हैं जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और सबमरी है इसको रिपेयर में नहीं रखा गया इसको अमेरिका में ही रिपेयर किया जाएगा तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे द प्रपोजल वॉज ट्रेवल्ड बाई यू एस एम्बेसडर टू जापान रम एमल एट द मार्च सेमिनार हॉस्टेड बाई एन मिल्की मैन इंस्टीट्यूट एमल हैड नोटेड हाउ जापान इंडस्ट्रियल एंड सिप कैपेसिटीज कुड बी बिग पार्ट ऑफ द सोल्यूशन जापान वंस अपॉन अ टाइम वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबसे बिल्डर होल्डिंग फिफ्टी परसेंट द ग्लोबल मार्केट शेयर इन नाइनटीन सेवनटीज अंटिल लूजिंग आउट टू साउथ कोरिया एंड चाइना द प्रपोजल जो है ये यू एस एम्बेसडर द्वारा जापान रहीम एम्यूनल को दिया गया मार्च में सेमिनार में जो कि हॉस्ट किया गया था मिल्क एंड इंस्टीट्यूट द्वारा एम्यूनल ने नोट किया कि कैसे जापान जो है ट्रिमेंडस इंडस्ट्रियल और कैपेसिटी थी इसकी मतलब एक समय ये दुनिया की आधी शिप्स जो थी यहीं पर रिपेयर होती थी और बहुत ही बड़ा सोल्यूशन होगा चाइना को जवाब देने के लिए एक समय की बात है कि जापान जो है पूरी दुनिया की जो लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स होते थे जिसमें फिफ्टी परसेंट जो है जापान अकेले संभालता था रिपेयर करने का वर्क नाइन्टी सेवेंटी तक उसके बाद साउथ कोरिया और चाइना भी रिपेयर करने लगे जिससे उसका मार्केट जो है धीरे धीरे डाउन होने लगा मोर जापानीज शिपियार्स अंडरटेकिंग बिगर रिपेयर ऑफ द बिगर वॉर यू एस शिप्स बेस्ड इन जापान आर करेंटली सर्विस्ड ऑन साइट एट टू यू एस नेवल बेसिस योकोसुका इन कांग प्री फ्रैक्चर एंड सबेसो इन नागासाकी प्री फ्रैक्चर इन द केस ऑफ द बिग रिपेयर एंड द ओवरऑल द जापान बेस्ड शिप्स ट्रेवल बैक टू होम पोर्ट इन यू एस एंड आर रिप्लेसड बाई अ रिप्लेसमेंट वेसल डेट सेल्स टू जापान यू एस शिप्स जो हैं जापान में दो जगह रिपेयर होती हैं जहाँ पे दो यूएस नेवल बेस हैं पहला है योकोसुका जो कि कांगावा प्रीफेक्चर में है दूसरा है साबू जो कि नागा प्रीफेक्चर में तो यहीं दो जगह पे शिप्स को रिपेयर किया जाता है और जब बड़ा रिपेयर करना हो ओवरऑल जो हो तो उसके लिए जो जापान बेस्ड शिप्स हैं वो दोबारा अमेरिका जाती हैं और उसकी जगह रिप्लेस करके दूसरा शिप या दूसरा वेसल जो है वो आता है सर्विसिंग वॉरशिप ऐट द ऑफ वेस जापानीज प्राइवेट से पार्ड हेल्प स्प्रेड द वर्क लोड जापानीज से पार्ड डेट हैंडल जापानीज मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स वेसल्स आर लोकेटेड एट जोकामा कांगावा प्रिफ्रक्चर मैजूरू कोयोटो प्रिफ्रैक्चर एंड कूरू हिरोसामा प्रिफ्रैक्चर सर्विसिंग वॉरशिप जो होगा ऑफ वेस जापानीज प्राइवेट सेपयियार्ड मतलब जो जापान के प्राइवेट सेपयियार्ड्स हैं वहाँ पे वो हेल्प करके स्प्रेड करने में बढ़ाने में को जापान से प्यार जो है जो कि हैंडल करती है जापानीज मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स को वेसल्स को जो कि लोकेटेड हैं योकोहामा में कागावा में प्रिफ्रैक्चर मेजुरू कोटो प्रिफ्रैक्चर एंड कुरू हिरोशिमा प्रिफ्रैक्चर तो आप फोटो में आप देख सकते हैं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यू जॉन एस एम के केन इस द ड्राई डॉक एट द फ्लीट एक्टिविटीज योकोसुका ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड ड्राई डॉक सेलेक्टिव रेस्ट्रिक्टेड एबिलिटी जॉन एस एमसीडेन इज वन ऑफ द सेवन शिप्स असाइन टू डिड्रन फिफ्टीन एंड इसमानेंटली फॉरवर्ड डिप्लॉय टू योकोसुका जापान तो ये एक तरह की शिप है जिसको पर्मानेंटली जापान में रखा जाता है तो यही रिपेयर हो रही है जापान में के कोस्ट में यूएसएन वॉर शिप्स मीन वॉल आर यूजली सर्विस एंड में टू सिप यार्ड द जनरल डायनेमिक्स नेशनल स्टील एंड दिप बिल्डिंग कंपनी एंड बी ए सिस्टम शिप रिपेयर विद द फिजिकल बजट ऑफ 13.9 बिलियन डॉलर द यूएस नेवी ने स्ट्रगलिंग विद अ मैसिव शिप रिपेयर बैक यूएसएन यू जो हैं व्यूजली सर्विस की जाती है मेंटेन की जाती है दो से यार्ड्स में जिसमें जनरल डायनेमिक, नेशनल स्टील है और सिप बिल्डिंग कंपनी एंड बी सिस्टम है जो कि शिप रिपेयर करती हैं जिसमें जो बजट होता है 13.9 बिलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली फोर्टीन बिलियन डॉलर मान लो तो वो लगाते हैं यू नेवी अपने ships को बिल्ड करवाने में जो रिपेयर करती है मैंटेनेस का कॉस्ट जो है उतना देती है जापान को अकॉर्डिंग ट्रेटरी ऑफ द नेवी कार्लोस डेल टोरो द पी एल एन हेज एडेड हंड्रेड वॉर शिप टू द फ्लीट ओवर द पास टू डेट्स विद्री फोर्टी वेसल एक्सपेक्टेड टू रीच फोर फोर्टी शिप्स बाई टू थाउजेंड थर्टी डेल टोरोड टू सीनेट आर्म्ड सर्विस रिसेंटली द रिपोर्ट इन निकी एशिया एडिड रिपोर्ट में कहा गया है कि सेक्रेटरी ऑफ नेवी कार्लोस डेल टोरो के हिसाब से पी एल ए एन जो है इसने एड किया है हंड्रेड वॉर शिप अपने फ्लीट में अपने बेड़े में पिछले 20 सालों में जिसमें 340 फोर्टी वेसल आरमाडा है जो कि रीच करेगा 440 तक 2030 तक डेल्ट और ने सबमिट किया है सीनेट आर्म सर्विस में रिसेंटली बट द यू एस एन वन द कंट्री वुड हैव ओनली थ्री फिफ्टी टू शिप्स बाई टू थाउजेंड फिफ्टी टू इवन आफ्टर द मोस्ट अग्रेसिव पुश अंडर द टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री शिप बिल्डिंग प्लान और जो यू एस एन है यानी अमेरिका की जो नेवी है अगर उसका चाइना के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इसके जो टोटल शिप्स होंगे 352 फिफ्टी टू रहेंगे टू तक 2023 में शिप बिल्डिंग प्लान को लगाने के बाद भी शिप बिल्डिंग बैकलॉग टू द ऑकस केस एक तो ऑकस केस भी है जिसमें शिप बिल्डिंग बैकलॉग केस आ गया है रियर एडमरल स्कॉट पेपनो द प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर द स्ट्रेटिक सबमरीन मरीन टस्ट तु अपॉन द मैसेव बॉटल एंड चेस एंड द ओवर कैपेसिटी एट द यू एस बेस्ट शिप इन सितम्बर दो रियर एडमरल स्कॉट पेपनो जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्ट्रेटिक्स सबमरीन टस्ट उन्होंने बताया है मैसिव बॉटल नेक्स चल रहा है साथ में ओवर बॉडन है मतलब जहर से ज्यादा बोझ कैपेसिटी दी जा रही है अमेरिका बेस्ड पियार्ट्स में सितंबर 2022 में स्पीकिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द बिल्डिंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फॉर द ऑस्ट्रेलिया अंडर द ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट पैक्ट एट द सेमिनार ऑर्गेनाइज बाय द मिटकैल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज पेपन एम एंसर द यू एस ने वी ऑलरेडी हैविंग टू रेड्यूज द बिल्ड टाइम ऑफ द यू एस एस कोलम्बिया न्यूक्लियर सममरीन एट द ओवर बॉर्डन शिप यार्ड्स लाइक द जनरल डायनेमिक इलेक्ट्रिक बोट इन दी कट उन्होंने स्पीक किया है बिल्डिंग न्यूक्लियर पावर सममरीन को लेकर मतलब ऐसी सबमरीन जिसमें न्यूक्लियर पावर लगाया जा सके जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक पैक्ट के अंदर काम कर रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट इसी को ऑकस कहते हैं तो इन्होंने ऑकस पैक्ट के अंदर काम किया है सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस स्टडीज़ के द्वारा जिसमें पेपे ने मैंसन किया कि अमेरिका नेवी जो है इसको ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है बिल्ड टाइम मतलब बनाने के समय को कम कर दिया है यू एस एस कोलम्बिया में न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने की जो समय, समय सीमा है उसको कम किया है ओवरबॉर्डन से प्यार्ड्स जो हैं जिसमें जनरल डायनेमिक इलेक्ट्रिक बोर्ड तो इसको भी कनेक्टिकट मतलब इसको थोड़ा सा समय जो है बनाने का और इसको साइड कर दिया गया है ताकि वो सब को जो न्यूक्लियर पावर है उसको बना सके अ चाइनीज नेवल फ्लीट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इन द ईस्ट चाइना सी तो आप देख सकते हैं ये चाइना की नेवी फ्लीट है तो यही जो है एक्सरसाइज करती है ईस्ट चाइना सी में टपेनो सैड ऐट द इंटरेक्शन इफ वी वर गोइंग टू एड एडिशनल सबमरीन कंस्ट्रक्शन टू आवर बेस डेट वुड बी डी ट्रिमिनेंटल आई थिंक डेट एग्जिस्ट फॉर बोथ द यू एस एंड द यूके टपेनो ने कहा है इंटरेक्शन में कि यदि हम लोग एड करें और ऑस्ट्रेलियन सबमरीन कंस्ट्रक्शन को हमारे बेस में तो डी होगा मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होगा वो एग्जिस्ट करेगा दोनों के लिए अमेरिका के लिए भी और यूके के लिए भी कोलंबिया क्लास एस एस बी एन इज़ अ मैसिव प्रायोरिटी फॉर द यू एस ने एम टू रिप्लेस द एजिंग ओयो क्लास वेसल्स शेड्यूल्ड फॉर दियर फर्स्ट डिलीवरी बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी सेवन एट फाइव हंड्रेड एट्टी फीट इन लेंथ एंड डिस्प्लेसिंग ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड टेन फीट they will be the largest submarine built in the U.S. expected to stay in service until 2080. Columbia class थाउजेंड एटीन कोलंबिया क्लास एस एस जो है यह मैसे प्रायोरिटी है बहुत बड़ी प्रायोरिटी है अमेरिका की नेवी के लिए जिसका एम जो है पुरानी OYO क्लास सबमरीन को हटाने का है और पहली जो डिलीवरी होगी दो तो में होगी ये 580 फीट लेंथ में है और डिस्प्लेस का थी का 20,810 फीट और ये लार्जेस्ट सबमरीन होगी बिल्ड की जाएगी अमेरिका में और इस सर्विस में रहेगी मतलब अमेरिका में सेना के लिए काम करेगी कम से कम टू थाउजेंड एटी तक पेपनो कॉन्सन वॉज रेड्यूसिंग द बिल टाइम फ्रॉम एटी फोर मंथ्स टू सेवेंटी एट मंथ्स टू रेड्यूज पोटेंशियल गैप एज द एग्जिटिंग फोर्टीन ओयो क्लास क्लास आर फेस्ड आउट फ्राम सर्विस द यूएसन वॉन्ट्स टू अ टोटल ऑफ ट्वेल्व कोलम्बिया क्लास बोर्ड्स पेपनो ने चिंता है वो रेड्यूस करना है बिल टाइम को बनाने की समय सीमा को कम करना चाहते हैं जो कि एट्टी फोर मंथ है उसको सेवेंटी एट मंथ करना चाहते हैं ताकि वो रेड्यूस कर सके पोटेंशियल गैप क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फोटीन ओयो क्लास है ओयो क्लास सम जो है इनको हटा दिया गया फेस्ड आउट कर दिया गया सर्विस से सर्विस से बाहर कर दिया गया है यूएसएन को टोटल ट्वेल्व कोलम्बिया क्लास बोट्स चाहिए बट द दिप बिल्डर हैज़ बिन स्ट्रगलिंग विद द बिल्डिंग द सममरी फास्टर अकॉर्डिंग टू पोपेनो वी हैव वर्क डाउन प्लानिंग फॉर सेवेंटी एट मंथ डिलीवरी शेड्यूल वी आर बिहाइंड दैट नाउ एंड स्टिल एट्टी फोर मंथ पेपेट पेपेनो ने कहा है कि जो सिप बिल्डर है स्ट्रगल कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं बिल्ड करने में सबरीस को तेजी से पैपनों के हिसाब से उनको वर्क करना होगा सेवेंटी एट मंथ डिलीवरी शेड्यूल पे लेकिन हम लोग उसके पीछे हैं और अभी भी एट्टी फोर मंथस पर चल रहे हैं एस्टिमलेसन कैलकुलेट्स वन ईयर टू रिपेयर अ शिप एक रिपोर्ट के हिसाब से एक साल लगता है शिप को बनाने में इंडस्ट्रियल इशूज आर अ लार्जर पार्ट ऑफ द डिक्लाइन इन द यू एस मैनुफैक्चरिंग ओवर द लास्ट सेवरल डिकेट्स डिपेंडिंग ऑन मैसिव इम्पोर्ट ऑफ मैनी ऑफ इट्स गुड्स फ्राम कंट्रीज़ लाइक चाइना वेयर फैक्ट्रीज हैज़ मूव टू कट कॉस्ट इंडस्ट्रियल इशू जो है ये बहुत बड़ा समस्या हो गया डिक्लाइन करने का अमेरिका के बनी हुई अमेरिकन मैनुफैक्चरिंग को पिछले कुछ डिकेट्स में जिसमें डिपेंड है मैसेव इम्पोर्ट यानी अमेरिका के यहाँ सामान पहुँचाया जाता है चाइना के द्वारा सबसे मेजर कंट्रीज जो है चाइना है जो कि सामान पहुँचाती है जहाँ पे फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ पर चीप वॉर देखती हैं मतलब पैसा कम लगता है इन टू थाउजेंड ट्वेंटी रिपोर्ट नेवल कैम्पेजिंग द ट्वेंटी ट्वेंटी मरीन क्रॉप्स कैपस्टोन ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट मेरीटाइम क्रॉप्स कमांडेंट जनरल डेविड एच बर्गर रेस्ट सीरियस इशूज अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स एबिलिटी टू रिप्लेस द कॉम्बैक्ट लूजस इन द इवेंट ऑफ अ वॉर इन द वेस्टर्न पैसिफिक तो एक कमांडर ने कहा है कि यदि वेस्टर्न पैसिफिक में युद्ध होता है तो उसमें अमेरिका को पीछे हटना पड़ सकता है यदि अमेरिका ने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो बर्जर नोटेड एट द रिपेयर एबिलिटी इज एन एबिलेंट ऑफ एडवर्सरीज विल बी मोर एम्बिसियस इंडियन मिलिट्री कैम्पजेस इफ दे यूज आर सी द यू एस डिफेंस एंड द मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री एन एबल टू एंगेज इन अ प्रोट्रैक्टेड फाइट एंड रेपिडली फिक्स एंड सैंड वेपन्स प्लेटफॉर्म बैक इन टू द फाइट बर्गर ने कहा है कि जो रिपेयर एबिलिटी है वो समस्या का निवारण है एडवर्सरीज जो हैं मतलब जो रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा एम्बिसियस होगा मतलब एकदम सही जो रिज़ल्ट होगा यदि अमेरिका की सेना युद्ध करती है तो यदि उसको ज़्यादा प्रॉफिट करना है यदि चाइना को मूर तोड़ जवाब देना है तो ये तभी संभव है जब अमेरिका जो है अपने डिफेंस कैपेबिलिटी में रिपेयर की क्षमता को बढ़ाए और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं अभी भी अनेबल हैं इंगेज करने में प्रोट्रैक्टेड फाइट को और रैपिडली फिक्स करने में और सेंड करने में वेपन्स प्लेटफॉर्म बैक इंडर फाइट मतलब जो डैमेज हथियार हैं उसको दोबारा ठीक करके वापस युद्ध में भेजने में अमेरिका की जो सिप बिल्डर्स पोर्ट्स हैं वो अभी भी नाकाम हैं राइटिंग इन द यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ब्लिकेशन प्रोसीडिंग लेफ्टिनेंट की गन होई मैंशन स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ द यूएस पैसेफिक से प्रिपेयर इंडस्ट्री वर्कफोर्स एंड द फैसिलिटीज कैपेबिलिटीज इन द इवेंट ऑफ अल्स सेंट्रिक वॉरफेयर इन द वेस्टर्न पैसेफिक ओशन तो एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट वन ईयर लगता है इस सिप बिल्ड करने में वेस्टर्न पैसेफिक में तो इस समय से मैं कम करना होगा वाइल द लिमिटेड टू ऑनली डिस्ट्रॉयर देशन कंक्लूडेड फॉर्टीन मंथ ड्यूरेशन टू फिक्स डिस्ट्रॉयर्स विद हाईवे डैमेज यदि डिस्ट्रॉयर जो है अमेरिका का ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उसको चौदह महीने लगेंगे फिक्स करने में उस रिपेयर को मतलब उस रिपेयर को ठीक करने में चौदह महीने ऑलमोस्ट वन ईयर द रिपोर्ट रिकमेंडेड द यू एस से प्यार्ट बेस्ड ऑन द पैसिफिक कोस्ट एट एटलीस्ट सेवन ड्राइव डॉक्स फिफ्टी परसेंट इंक्रीज डैट कैन रिपेयर डिस्ट्रॉयर एंड एटलीस्ट फाइव थाउजेंड मोर वर्कर्स बिफोर एनी कंफ्लिक्ट स्टार्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी युद्ध के शुरू होने से पहले यानी वेस्टर्न पैसेफिक एरिया में यदि युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका जो है फिफ्टी परसेंट इंक्रीज कर दे ड्राई डॉक्स का जो कि रिपेयर करेंगे डिस्ट्रॉयर को और पाँच हज़ार ज़्यादा वर्कर्स रख ले अपने डिस्ट्रॉयर्स यदि डैमेज होता है तो उसको बनाने के लिए तो युद्ध को जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे फोर्टीन मंथ्स इज टू लॉन्ग टू गेट द डैमेज सिप्स बैक इन द फाइट द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट फाइंड अ वे टू रिपेयर शिप्स फास्टर एंड द प्रोसेस मस्ट बिगिन बनाउ होई इट हो ने कहा है कि चौदह महीने एक सिप को बनाने में एक डिस्ट्रॉय को बनाने में बहुत लंबा समय है यूनाइटेड स्टेट्स को यानी अमेरिका को ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे वो सिप्स को जल्दी बनवा सके और उनको युद्ध में भेज सके और उनको जो है वो काम आज ही शुरू करना होगा तो गाय तब तक गुड बाय बाय बाय